हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सेल्स के कॉम्बिनेशंस सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो वो टॉपिक अपना खत्म हो गया था, कंप्लीट हो गया था। अब इस लेक्चर के अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, क्या यूज है इसका, वो अपन इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज जो है वो बेसिकली एक अरेंजमेंट है, ठीक है। ये अरेंजमेंट है किन का, ये अरेंजमेंट है रेजिस्टेंसेस का। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस। जो करता क्या है, जो करता है क्या, ये फाइंड करता है अननोन रेजिस्टेंस को, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट है ये दिखता कैसा है वो देख लेते हैं। ठीक, तो ये फोर रेजिस्टेंसेस हैं इसके अंदर। दिस इज पी, दिस इज क्यू, दिस इज आर एंड दिस इज एस। तो ये फोर रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन है। ये जो रेजिस्टेंसेस हैं ये एंड ए हो गया इसका, इस कॉम्बिनेशन का ये एंड बी हो गया, दिस इज एंड सी एंड दिस इज एंड डी। एंड ए और एंड सी के बीच में इसको ऑपरेट करने के लिए हम लगाते हैं एक बैटरी और एक की। तो ये एक बैटरी मैंने कनेक्ट कर दी, ये प्लस ये माइनस, ई एम एफ एस का ई है, इसके साथ मैंने अटैच कर दी एक की के, ठीक है। ये मैंने एंड ए और सी के बीच में एक बैटरी और एक की अटैच कर दी। बी और डी के बीच में आप देख ही रहे हैं, एक मेरे पास ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या कर सकता है, करंट मेजर कर सकता है, है ना। ये दोनों डायरेक्शन में करंट मेजर कर सकता है, है ना। इसके अंदर जो निडल होती है वो सेंटर में होती है गैल्वेनोमीटर के अंदर, और सेंटर में निडल होती है तो ये लेफ्ट राइट दोनों साइड डिफ्लेक्शन ले सकता है। मतलब ये करंट के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बताता है। अमीटर सिंगल डायरेक्शन में क्या करता है, करंट मेजर करता है, तो वो आपको डायरेक्शन नहीं बताएगा, ठीक है। तो करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर, एक की मैंने यहाँ भी अटैच कर रखी है, इस की को आप लगा दें तो अच्छा, ना लगाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको डायरेक्ट भी यहाँ अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट अब आपको दिख रहा है, ये अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट को अपन बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। इस अरेंजमेंट को अगर आप देखें तो इसके अंदर फोर रेजिस्टेंसेस हैं। ये जो फोर रेजिस्टेंसेस हैं, इसमें एक तो रेजिस्टेंस है पी,
एक है क्यू, एक है आर और एक है एस। अब जो पी और क्यू रेजिस्टेंस इसके अंदर हैं, रेजिस्टेंसेस पी एंड क्यू, ये जो रेजिस्टेंसेस हैं ये नोन रेजिस्टेंसेस हैं, इनकी वैल्यू अपन को पहले से पता होती है, दीज आर नोन रेजिस्टेंसेस। ठीक है, जो आर है दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू को अपन क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो आर इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, आर इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, और जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है दैट इज कनेक्टेड एट एस, सो एस इज अ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन के अंदर, इस अरेंजमेंट के अंदर अपन को टोटल फोर रेजिस्टेंसेस गिवन होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जिसमें पी और क्यू नॉन रेजिस्टेंस होते हैं, आर वेरिएबल है और एस के प्लेस पे अपन उस रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमको फाइंड करनी होती है। तो ये जो कंप्लीट अरेंजमेंट बन गया, इस अरेंजमेंट को अपन क्या बोलते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। ठीक है, अब इस व्हीट स्टोन ब्रिज में जो पी क्यू आर और एस की कंडीशन है ना, ये चेंज नहीं होती, ये जहाँ जैसे आपको दिख रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही लगे होंगे। कनेक्शन की भी मैं बात करूँ तो कनेक्शन ए और सी टर्मिनल्स के बीच में अपन लगाएंगे बैटरी और ई, और बी और डी टर्मिनल्स के बीच में अपन कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर। अब ये बी और डी के बीच में जो अपन ने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, ये एक तरीके से ब्रिज बना रहा है बी और डी टर्मिनल के बीच में, इसलिए जो ब्रांच है ना, इस ब्रांच को अपन बोलते हैं ब्रिज ब्रांच, और इसीलिए इस अरेंजमेंट को बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ब्रिज कहाँ है, ब्रिज ये है टर्मिनल बी और डी के बीच में, जिसमें क्या लगा हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ठीक है, प्रिंसिपल की अगर अपन बात करें, इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल इसका ये कहता है कि भाई मान लो कि आप करंट फ्लो करवाते हो, इधर से प्लस से करंट निकलेगा आई, करंट फ्लो करवाते हो तो क्या होगा कि भाई ए बी सी डी इन टर्मिनल्स पे पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है, बी पे भी पोटेंशियल जनरेट होगा, लेट बी बी, डी पे भी पोटेंशियल जनरेट होगा, लेट बी डी। तो प्रिंसिपल ये कहता है इसका कि अगर बी टर्मिनल का पोटेंशियल और डी टर्मिनल का पोटेंशियल इक्वल हो जाएं, वी बी इक्वल टू वी डी, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, वी बी माइनस वी डी इक्वल टू जीरो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में इस ब्रिज को, इस व्हीट स्टोन ब्रिज को अपन बोलते हैं कि भाई ब्रिज कैसा है, बैलेंस्ड है, ये ब्रिज कहता है बैलेंस्ड है, और इस बैलेंसिंग की कंडीशन में पी और क्यू का जो रेशियो है वो आर और एस के रेशियो के इक्वल होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं कि भाई बैटरी है, करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा ए बी सी डी के अंदर, टर्मिनल्स के अंदर पोटेंशियल जनरेट होगा, तो अगर B और D का पोटेंशियल इक्वल हो जाए, B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने के केस में इस ब्रिज को अपन बोलेंगे दैट द दिस ब्रिज इज बैलेंस, और बैलेंसिंग कंडीशन में P और Q का जो रेशो है वो R और S के रेशो के इक्वल होगा। और अगर ऐसा होगा तो मुझे तो S फाइंड करना है, तो S विल बी सिंपली वॉट, आर क्यू और अपॉन में पी। तो यहाँ से अपन सिंपली तब S की वैल्यू क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रिंसिपल का यूज करके अपन को क्या करना है, इस S की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस अपन देखते हैं कि भाई एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है, प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन देखें कि क्या बी बी और वी डी इक्वल होने के केस में क्या पी और क्यू का रेशियो आर और एस के रेशियो के इक्वल होगा या नहीं होगा, इसको प्रूव करके देखते हैं। तो इसके लिए अपन नेक्स्ट देखेंगे इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस। अच्छा, मैथमेटिकल एनालिसिस के अंदर मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये फाइंड करना है कि भाई पी और क्यू का रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए, आर और एस के रेशियो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए मैं यूज करता हूं क्या, केबीएल।
तो केवीएल मेरे को लगानी है यूजिंग केवीएल। केवीएल कहाँ लगती है, कहाँ अप्लाई होती है केवीएल? अप्लाई होती है लूप्स के अंदर, ठीक है। तो लूप्स के अंदर अप्लाई होती है, तो यहाँ पे देखो लूप किधर किधर है, पी क्यू आर और एस, इन टू लूप्स के अंदर है। एक तो लूप एरा, लूप वन और ये लूप टू, इनके अंदर लूप वन के अंदर पी और आर है, लूप टू के अंदर क्यू और एस है। तो इन लूप्स की मैं हेल्प ले सकता हूँ लूप एनालिसिस या केवीएल अप्लाई करके, ठीक है। कैसे अप्लाई करते थे केवीएल, अपन ने देखा था केवीएल का अप्लाई करने का प्रोसेस। उसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते थे, पहले तो अपन करंट रिकॉग्नाइज करते थे, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो सबसे पहले तो करंट को रिकॉग्नाइज या डिस्ट्रीब्यूट अपन को करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन ने ये तो लेट कर ही लिया कि भाई ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये मेरा जो आई करंट है वो यहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो अगर ये आई करंट बाहर निकल रहा है, यहाँ आई करंट आएगा तो ये टू ब्रांचेस में डिवाइड होगा, ठीक है। इन टू ब्रांचेस में अगर ये आई करंट डिवाइड होगा तो मैं ये लेट कर लूँ कि लेट भाई ऊपर अपसाइड वाली ब्रांच में आई वन करंट जा रहा है, तो रिमेनिंग करंट कितना हुआ, आई में से आई वन ऊपर गया, नीचे बचेगा आई माइनस आई वन। तो ये करंट किधर चला गया, आर्म। इधर से ये आई वन करंट फ्लो होता हुआ आया, इधर तक आई वन आ गया, यहाँ से फिर टू ब्रांचेस हैं, डिवाइड होना पड़ेगा इसको। लेट गैल्वेनोमीटर के अंदर आई जी करंट चला गया, तो बचा कितना, आई वन में से आई जी निकल गया, तो इसके पास कितना बचेगा, आई वन माइनस आई जी करंट बचेगा, ठीक है। इधर से ये आई माइनस आई वन आया, इधर से आई जी आया, दोनों ने ज्वाइन किया और इधर आई माइनस आई वन इधर से और प्लस आई जी ऊपर वाली ब्रांच में से कंबाइंड हो जाएंगे और एस के अंदर से फ्लो करेंगे। इधर आके दोनों ब्रांचेस ज्वाइन कर रहे हैं, इधर से आई माइनस आई जी, इधर से आई माइनस आई वन प्लस आई जी, इधर आके क्या हो जाएगा, ये आई करंट आएगा और बैटरी के अंदर वापस आई करंट एंटर कर जाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेप होता था अपना केवीएल का कि अपन क्या करते थे, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कर लिया लूप, अपन ने रिकॉग्नाइज कर लिया अपना लूप वन लूप टू। अब ट्रवर्सिंग की डायरेक्शन, लेट की डायरेक्शन है, ट्रवर्सिंग की कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन में क्या करते हैं, अपन जानते हैं केवीएल क्या कहता है, कि भाई किसी भी क्लोज लूप के अंदर या मैश के अंदर जो टोटल पोटेंशियल है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो मेरे को क्या करना है भाई, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा पोटेंशियल। उसके लिए मेरे को एक ट्रवर्सिंग की डायरेक्शन डिसाइड करनी पड़ेगी, तो मैंने डिसाइड कर ली। लेट में जो कैलकुलेशन करूँगा वो कैसे करूँगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करूँगा, ठीक है। तो अपन केवीएल अप्लाई करें लूप वन और लूप टू के अंदर एक एक करके। देखो पहले इन लूप वन, लूप वन को अगर आप देखें, इस पॉइंट से स्टार्ट कर दूं मैं कैलकुलेशन करना, क्लॉकवाइज चलना है मुझे। सबसे पहले मुझे मिलेगा जब मैं इधर से चलूंगा तो रेजिस्टेंस पी, इसके अंदर से करंट जा रहा है आई वन, तो दिस इज वी दिस इज आई पोटेंशियल, सॉरी दिस इज आर दिस इज आई, मुझे पोटेंशियल चाहिए V V इक्वल टू आई आर, ठीक है। सो दिस इज आई वन पी, ठीक है, आई आर करंट इनटू रेजिस्टेंस इज पोटेंशियल। अब देखो साइन कैसे लेते थे, मैंने बताया था कि अगर आपके ट्रवर्सिंग की डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो प्लस आई वन पी, ठीक है। उसके बाद आगे आएंगे ऐसे, यहाँ से घूमेंगे सब, फिर मिलेगा मुझे गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के अंदर वायर होगा, उस वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, लेट उसका रेजिस्टेंस है जी ही मान लेता हूँ। इसमें से करंट कितना जा रहा है, आई जी, तो वी कितना हो जाएगा, आई आर, आई जी इज करंट एंड रेजिस्टेंस उसका मैंने मान लिया जी। देखना ट्रांसमिशन का डायरेक्शन वही है, करंट का भी डायरेक्शन वही है सेम, तो क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। देन आगे आऊँगा और आगे इधर से रोटेट करूंगा, तो इधर मिला मेरे को रेजिस्टेंस आर, इसमें से करंट है आई माइनस आई वन, सो आई एंड आर, आई मीन्स करंट इज आई माइनस आई वन और इनटू आर, रेजिस्टेंस कितना है आर, ठीक है। अब देखो ट्रवर्सिंग का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, करंट का डायरेक्शन कहाँ है इधर, ये एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से नीचे आ रहा है करंट, तो क्या हो जाएगा माइनस, और वहीं पहुंच गए अपन वापस, और टोटल पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो अकॉर्डिंग टू केबीएल। तो क्या आ गया ये, दिस इज आई वन पी प्लस आई जी जी और इक्वल टू आ जाएगा आई माइनस आई वन इंटू आर, इक्वेशन क्या आ गई फर्स्ट।
दिस इज द लूप एनालिसिस ऑफ लूप वन। ठीक है, एक इक्वेशन मिल गई मुझे। ऐसे लूप टू के अंदर से सेकेंड इक्वेशन बना लो। देखो लूप टू को अगर अपन देखें, इन लूप टू के अंदर भी अपन इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं चलना। सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, क्लॉकवाइज ही जाना है मुझे, वही डिसाइड किया है मैंने पहले। क्या मिलेगा मुझे, क्यू करंट कितना है, आई वन माइनस आई जी, सो वी इक्वल टू आई आर, सो दिस इज आई वन माइनस आई जी, ये तो करंट हो गया, और रेजिस्टेंस कितना है, क्यू। डायरेक्शन ट्रेवर्सिंग का भी वही है, क्लॉकवाइज, करंट भी क्लॉकवाइज आ रहा है, पॉजिटिव आएगा। देन आगे आऊँगा तो इधर से टर्न करेंगे और ये मिला मुझे रेजिस्टेंस एस, करंट कितना है इसमें से, आई माइनस आई वन प्लस आई जी। ठीक है, तो देखो मैं तो ट्रेवर्सिंग में ऐसे आ रहा हूँ, ठीक, करंट कैसे जा रहा है, ऊपर डायरेक्शन में, तो साइन माइनस आएगा, तो क्या हो गया है, माइनस कितना करंट है, आई माइनस आई वन प्लस आई जी, और इनटू में क्या हो गया, एस। ठीक है, साइन क्या आएगा, माइनस, वो मैंने लगा दिया। उसके बाद इधर से आगे जाएंगे, इधर से टर्न करेंगे, जी मिला मुझे, रेजिस्टेंस जी ही लाइट कर लिया गैल्वेनोमीटर का, करंट इसमें से आई जी। अब आप जा रहे हैं डाउन टू अप, करंट आ रहा है अप टू डाउन, तो माइनस ही आएगा, और करंट इंटू रेजिस्टेंस आई जी इंटू जी, तो माइनस का क्या हो जाएगा, आई जी इंटू जी, वापस वहीं पहुंच गए, और टोटल पोटेंशियल क्या हो गया, जीरो अकॉर्डिंग टू केवीएल। सॉल्व कर ले इसको, दिस इज आई वन माइनस आई जी इंटू क्यू माइनस, सॉरी, इक्वल टू आई माइनस आई वन प्लस आई जी, ये हो गया इंटू एस, और प्लस में हो गया आई जी इंटू जी। इक्वेशन क्या आ गई, इक्वेशन आ गई सेकेंड। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर लिया, लूप एनालिसिस कर लिया। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि भाई ये पोटेंशियल्स जो हैं, जो ए बी सी डी पे जनरेट हुए, तो वो तो डिपेंड किस पे करेंगे, वो डिपेंड करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यूज पे। तो इसके अंदर जो ये आर रेजिस्टेंस है ना, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, क्यों कनेक्ट किया, इस आर को क्या करते हैं, वेरी करते हैं, वेरी करवाते हैं, और आर को जब अपन वेरी करवाते हैं तो इसको वेरी करवा के कुछ इस तरह एडजस्ट करते हैं हम इसके अंदर, कि इसको एडजस्ट करने पर टर्मिनल बी और टर्मिनल डी का जो पोटेंशियल है ना, वो कैसा हो जाए, वो इक्वल हो जाए। दैट मीन्स इस आर को इस तरह वेरी करेंगे अपन कि जो पोटेंशियल है किस किस का, बी का, वो किसके इक्वल हो जाए, डी के इक्वल हो जाए। तो वी बी माइनस वी डी, मतलब बी और डी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाएगा। अब अपन को एक चीज़ पता है कि भाई जो करंट फ्लो होता है वो कहाँ फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन अगर कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर बी और डी के बीच में पोटेंशियल सेम है, आर को इस तरह एडजस्ट किया अपन ने कि बी और डी के बीच में पोटेंशियल सेम कर दिया, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने पर ये जो आई जी करंट है ये फ्लो नहीं होगा। दैट मीन्स जो आई जी है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आई जी अगर जीरो हो गया तो देखो क्या होगा, आई जी अगर जीरो हो जाए तो देखो अपनी इक्वेशन वन, इसमें आई जी जीरो कर दो, तो आई जी अगर आप जीरो करोगे तो क्या होगा कि भाई देखो ये टर्म आई जी इंटू जी ये जीरो हो गई जीरो, तो क्या बचेगा मेरे पास, इधर से बचेगा क्या, आई वन पी इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगी ये। ऐसे इधर देखो ये आई जी ये जीरो, इधर क्या बचेगा, आई वन क्यू। ठीक है, क्या बचेगा, आई वन क्यू इक्वल टू, और देखो ये आई जी ये जीरो, तो आई माइनस आई वन इंटू एस ये बचेगा, और ये आई जी जी ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो दिस विल बी इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू क्या हो गया, एस, इक्वेशन नंबर क्या हो गई, फोर हो गई। देख लो भाई रेशियो निकाल के, इक्वेशन थ्री अपॉन फोर कर लो, तो क्या हो गया ये आई वन पी अपॉन आई वन क्यू इक्वल टू आई माइनस आई वन इंटू आर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, आई माइनस आई वन इंटू एस, कैंसिल आउट हो गए ना, तो पी अपॉन क्यू इक्वल टू क्या आ गया, आर अपॉन एस आ गया।
यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रिंसिपल था कि अगर बी और डी के बीच में पोटेंशियल हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाए जीरो, तो फिर क्या होगा उस केस में, पी और क्यू का जो रेशियो है वो आर और एस के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। यही मेरा व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल था। अब जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना, अच्छा इसको अपन क्या रिवर्स भी यूज कर सकते हैं। रिवर्स कैसे यूज कर सकते हैं कि भाई मान लो पी और क्यू का रेशियो आर और एस के रेशियो के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, तो बी और डी का पोटेंशियल, टर्मिनल बी और डी का पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। और उस कंडीशन में जो आई जी किसके अंदर करंट था, ब्रिज ब्रांच के अंदर करंट था, उस कंडीशन में ब्रिज ब्रांच के अंदर करंट क्या होता है, जीरो होता है। तो जब न्यूमेरिकल अपन करते हैं ना तो बेसिकली रिवर्स में ही यूज में आता है। कैसे यूज में आता है कि अगर पी और क्यू का रेशियो, पी और क्यू का रेशियो आर और एस के रेशियो के इक्वल है तो उस कंडीशन में ब्रिज ब्रांच में करंट क्या होता है, जीरो होता है। तो इस तरह अपन इसको क्वेश्चंस में भी क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है भाई, तो दिस इज योर व्हीट स्टोन ब्रिज और ये है, तो अपन यहाँ से एस की वैल्यू क्या कर सकते हैं, इजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा समझने के लिए और कि क्वेश्चन इस पर किस तरह आता है, तो एक क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं, उससे और अपन को समझ में आएगा। देखें देखें ये क्वेश्चन मुझे गिवन है कि भाई मेरे पास ये 5 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये अपना ए है, दिस इज बी, ठीक है, सी हो जाएगा, इधर एक टर्मिनल है डी, ठीक है, वो अभी कनेक्ट कर देंगे अपन। तो एक रेजिस्टेंस तो अपना इधर कनेक्टेड है, ठीक है, दिस एक रेजिस्टेंस ये है, दिस इज 2 ओम, दिस इज 7.5 ओम, ठीक है, एंड दिस इज एक कनेक्टेड, यहाँ एक रेजिस्टेंस यहाँ कनेक्टेड है मेरा, दैट इज 2 ओम अगेन। ठीक है, ये अपना इधर टर्मिनल हो गया डी, ठीक है, सॉरी ये टर्मिनल हो गया अपना डी, अपना एक अपन ने यहाँ से एक ब्रांच निकाली है और इस ब्रांच में ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दैट इज हैविंग वैल्यू 1 ओम, ठीक है, ये 1 ओम इधर से क्या है, इधर जाके कनेक्ट होता है, इधर ये कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, इसके साथ ये एक और ब्रांच इधर से निकली है और यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है अगेन 1 ओम, ठीक है, ये अगेन क्या कनेक्ट हो रहा है, 1 ओम कनेक्ट हो रहा है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, सॉरी ये 1, ये 2, ये 2 और ये 4 ओम कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो मेरे से क्या बोल रहा है, मेरे से ये बोल रहा है कि भाई आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर दो, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। अच्छा एक चीज़ हो रहा है, ये तो रेजिस्टेंस के लिए मैं कर रहा हूँ, है ना, मैंने रेजिस्टेंसेस के लिए अप्लाई किया है, लेकिन कैपेसिटर का भी अरेंजमेंट है तो उसके लिए भी व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट ऐसे ही सेम अप्लाई होता है। ठीक है, कैपेसिटर वाले चैप्टर में एक दो स्टूडेंट ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे इससे रिलेटेड, मैंने उनको रुकने के लिए कहा था, वहाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे था कि भाई ये कैपेसिटर्स कनेक्टेड थे, ये कनेक्टेड था ऐसे, ये कनेक्टेड था, ये एक कैपेसिटर ऐसे इधर कनेक्टेड था, एक ऐसे था और ये इस तरह, तो वहाँ ये व्हीटस्टोन ब्रिज का अरेंजमेंट गिवन था। ठीक है, जिन्होंने पूछा उनको याद आ गया होगा कि इस तरह उन्होंने मुझे कैपेसिटर के C1, C2, C3, ये C4 ये अरेंजमेंट दिए थे और
इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा था, ठीक है। तो इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऐसे निकाल सकते हैं कि भाई ये C1 ये P लेट कर लो, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। अब ये क्या है, कैपेसिटर। तो P और Q का रेशो चेक कर लो, R S के रेशो के इक्वल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस ब्रांच में अपना जो चार्ज है वो नहीं जाएगा, तो ये कैपेसिटर अपना चार्ज नहीं होगा, नहीं होगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो दीज टू विल बी इन सीरीज और इनके कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल में होंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं वापस। देखो यहाँ मेरे पास ये अरेंजमेंट गिवन है, व्हीट स्टोन ब्रिज है, दिख नहीं रहा, बनाऊंगा इसको भी व्हीट स्टोन ब्रिज। देखो ये सी है, ये डी है, ये ए है, ये बी है, ये टर्मिनल्स हैं, ठीक है। ये डी टर्मिनल को मैं इधर ले लेता हूँ और सी टर्मिनल को मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है। ऐसे ले लिया मैंने इसको, ठीक है। ये टर्मिनल कौन सा है, डी इधर ले लिया मैंने और सी इधर ले लिया, मतलब इसको ऐसे घुमा लिया, ठीक है। तो देखो डी और सी के बीच में तो ये 7.5 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, दिख रहा है मुझे सीधा सीधा 7.5 ओम, ठीक है। अब देखो ए तो इधर था, इधर ए था अपना, और बी इधर, ठीक है। अब देखो ए और डी के बीच में 1 ओम कनेक्टेड है, ये ए और ये डी के बीच में क्या कनेक्टेड है, 1 ओम, ठीक है। ये ए ही है यहाँ तक कंप्लीट, ए और डी के बीच में क्या कनेक्टेड है, 1 ओम। ए और सी के बीच में क्या कनेक्टेड है, 2 ओम। ए और सी के बीच में क्या कनेक्टेड है, 2 ओम, ठीक है। अब यहाँ देखो डी और बी के बीच में क्या कनेक्टेड है, 2 ओम। डी और बी के बीच में क्या कनेक्टेड है, 2 ओम, ठीक। और ये सी और बी के बीच में क्या कनेक्टेड है, 4 ओम। ये सी और बी के बीच में क्या कनेक्टेड है, 4 ओम, ठीक है भाई, दिस इज 4 ओम। अब लग गया व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा, ठीक है। अब इसका क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो चेक करना ये पी, ये Q, ये R और ये S, देखना बैलेंस है क्या। P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करो, देखना ये 1, ये 2, ये P अपॉन Q का रेशियो 1/2, R 2, S 4, ये रेशियो भी कितना आ रहा है, 1/2। दैट मीन्स P और Q का रेशियो किसके इक्वल है, R और S के इक्वल है ना। और अगर P और Q का रेशियो R और S के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों का, ये दोनों टर्मिनल्स का पोटेंशियल सेम, इन दोनों का पोटेंशियल अगर सेम है तो इसका मतलब इनका पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और अपन जानते हैं जिस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो नहीं होता वो काउंटिंग में नहीं आता, मैंने पहले भी बताया था जब अपन ने कॉम्बिनेशन सॉल्व किए थे रेजिस्टेंसेस के, कि जिस रेजिस्टेंस के अंदर करंट फ्लो नहीं होता वो कैलकुलेशन में नहीं आता। भाई जिसने करंट फ्लो हुआ ही नहीं, जिसमें वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं किया उसने, तो ये रेजिस्टेंस अपना कैलकुलेशन में नहीं आएगा। तो ये इधर से क्या हट जाए, क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव हो गया तो देखना कर सकते हैं क्या इसको सॉल्व, बोथ दीज आर इन सीरीज, 2 and 1, R1 + R2 क्या हो गया, 3, ठीक है, 3 ओम। बोथ दीज इन सीरीज, R1 + R2 क्या हो गया, 6 ओम, ठीक है। और इनका कॉम्बिनेशन किस में आ गया, ये पैरेलल में आ गया, तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया, R1 R2 upon R1 + R2, तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया, 2 ओम हो जाएगा। तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, आई बात समझ में। तो इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूज में ले सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, उनको आप करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।